हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कि वियतनाम का विलेज में क्या क्या है। अंगूर का पेड़ है जहाँ पे खेती बाड़ी होता है, और वहाँ पे फिश भी घर में ग्रो किया जाता है। उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे चिकन कैसे ग्रो किया जाता है। तो एक लाइफ स्टाइल का पूरा मैं अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए, मैं एक विलेज घूमने के लिए जाता हूँ, तो दिखाते हैं आपको विलेज का कैसा होता है। दोस्तों, निकल पड़े हैं मोटर बाइक के साथ। मेरा यहाँ पे लाइसेंस है, मैं बताऊँगा आपको धीरे धीरे मेरा स्टोरी का कैसे लाइसेंस बनाया, कैसे बनाया जाता है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं वियतनाम विलेज। तो दोस्तों, विलेज में आ गया हूँ। देखिए विलेज कैसा होता है, वियतनाम का विलेज। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक नोटिस किया है, यहाँ पे देखिए कैनल में जो मछली पकड़ते हैं, तो यहाँ पे मछली भी पकड़ रहे हैं कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि गांव में एक चीज़ अच्छा है कि चारों ओर हरियाली बहुत है दोस्तों, और एक चीज़ है यहाँ पे क्लीननेस बहुत है। तो एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, मैं एक गाँव में देखा कि कितना जल्दी सिस्टम में ऊपर में माल पहुँचा रहे कंस्ट्रक्शन के लिए। तो एक मोटर लगा हुआ है जिसमें से एक बंदा नीचे से ऊपर में वो मोटर के जरिए माल ऊपर नीचे कर रहा है। तो एक बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ मुझे नज़र में आया। तो मैं यहाँ पे कुछ घर में मैं ट्रैवल करूँगा, तो आप दोस्तों देखिए आप ऊपर में ये लोग मतलब ऑन द वे जो रास्ते से हम लोग घर में पहुँच घुसते हैं, उसके ऊपर में देखिए छल्ला बनाया हुआ है जिसमें से आप बहुत सारे वेजिटेबल देखेंगे। और साइड में मुझे ये दिखने को मिलेगा दोस्तों, ये क्या है आप बता सकते हो? मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये है जो अदरक का है, अदरक का पेड़। तो ये अपने ही अदरक का खुद ही अपना घर के सामने लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा और चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे घर के अंदर में जो जगह बचता है वहाँ पे भी आप देखिए यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं, और वो दिख रहा है मुझे ड्रैगन फ्रूट्स का दोस्तों। तो वियतनाम एक जो कंट्री है जहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स बहुत ही होते हैं दोस्तों। और एक चीज़ नज़र यहाँ पे मिला मुझे कि हर एक घर के सामने जो जो जगह है दोस्तों, उसमें आप कुछ ना कुछ आप पेड़ देखेंगे, जो वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स का हो गया, या तो उनके घर के चिकन के लिए वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि घर के लिए चिकन का ये लोग केज बना के रखा है और यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र में आया, जो पेड़ ऊपर में लगाया हुआ है तो कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक 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 चिपकाने वाला जो है, जो कागज़ है वो लगा दिया। तो उसमें से क्या होता है दोस्तों, तो जो कीड़े मकोड़े हैं वो उधर में चिपक जाते हैं, तो इसीलिए वो लगाया है। तो दूसरा एक घर में आया मैं दोस्तों, यहाँ पे भी आप देखिए बहुत सारे तरह का हर्ब है, वेजिटेबल्स है। और आप एक भी एक चीज़ देख सकते हो दोस्तों, हर एक घर के सामने जो एरिया होता है वो इन्होंने पत्थर से ये लोग पूरा सीमेंटेड कर दिया है। तो इसमें से क्या होता है दोस्तों कि कीचड़ उतना घर में पहुँचता नहीं है। और देखिए यहाँ पर हर एक घर के सामने या रास्ते के बगल में जितना भी जगह है, तो उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स, आपका बीन्स हो गया, आपका लेडीज फिंगर हो गया, उसके बाद फूल गोभी, टमाटर, सब कुछ लगाया है दोस्तों। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो घर है, मैं घर के अंदर एक जा रहा हूँ, और देखिए घर के ऊपर में ये है ग्रेप्स का ट्री, जो अंगूर का है, अंगूर लगाया हुआ दोस्तों। हालांकि फ्रूट्स है नहीं अभी, शायद सीजन में होता होगा। तो मुझे ग्रेप्स का ट्री देखने को मिल गया यहाँ पे, कितना बढ़िया से ये लोग किया हुआ है दोस्तों। तो जगह का यूटिलाइजेशन फुल्ली ये लोग किया हुआ है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे हर एक तरह का नॉर्मली हाउस होल्ड में जो जो लगता है वो किया हुआ है। तो एक चीज़ देखने को और भी मिला मुझे, मिला कि घर के बगल में दो ट्रेंच करके रखा है मछली को पालने के लिए। अंदर में मछली भी मुझे देखने को मिल गया यहाँ पे, बहुत सारा मछली, तो कैटफिश है और सब बहुत तरह का मछली है। तो उसमें से ट्रेंच में एक ये लोग मछली भी पालन करते हैं। और आप देखिए दोस्तों, मैं आपको चिकन का भी दिखाता हूँ इस घर में, चिकन यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहा है। देखिए बड़े जगह में इन्होंने चिकन को रखा है, और फ्रूट्स वगैरह, जैक फ्रूट्स है, आप देख सकते हो पेड़ में कितना जैक फ्रूट्स लगा हुआ है।
तो ये सब गांव में आप देख सकते हो कि कैसे इनका जगह जो है वो यूटिलाइजेशन फुल्ली तरीके से ये लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारा नया ट्री भी लगाया हुआ है, क्योंकि ओल्ड ट्री में ज़्यादा उतना फ्रूट नहीं होता है, तो इसलिए न्यू ट्री भी लगाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगा, एक जैकफ्रूट ट्री में इतना बड़ा जैकफ्रूट देखने को मिला दोस्तों। मैंने इसको कैप्चर कर लिया अपना कैमरा में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही छोटा ट्री में इतना बड़ा बड़ा सब जैकफ्रूट हुआ है। तो दोस्तों वो दूर में मुझे लीची ट्री दिख गया, मगर लीची का सीज़न अभी है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता। बाद में मैं आपको लीची का सीज़न जब आएगा तो मैं घूम के आपको दिखाऊंगा। तो ये है मक्का है दोस्तों, कौन है जो लगाया हुआ है पेड़, अभी तो हुआ है कुछ छोटा छोटा। और भी चीज़ देखने को मिला दोस्तों यहाँ पे, कुछ लैंड जो है वो प्रिपरेशन किया हुए है दूसरा वेजिटेबल लगाने के लिए। तो एक बर्ड व्यू मैं ले रहा हूँ ऊपर से, घर के ऊपर से दोस्तों, आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन है जो विलेज, यहाँ पे कोई उतना गंदगी नहीं है, पूरा नीट एंड क्लीन विलेज को रखा है। आप देख सकते हो चारों ओर ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है। और जो कैनल भी गया हुआ है ये पूरा नीट एंड क्लीन है, आप दोस्तों देख सकते हो जहाँ पे कोई कचरा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, जो कैनल बना हुआ है यहाँ पे, कैनल का साइड में पत्थर से पूरा एकदम सीमेंटेड किया हुआ है, तो इसके वजह से क्या है रोड धस नहीं जाता है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा यहाँ पे। और आप देख ही सकते हो वीडियो में कितना ग्रीनरी है। मैं और एक दो विलेज में जाऊँगा और देखूँगा भी बाद में कि कैसा कैसा होता है दोस्तों। तो इस विलेज को मुझे अच्छा लगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है और नीट एंड क्लीन है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मैं और भी वीडियो आपको लाऊंगा आपके लिए। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। होप आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आया। थैंक यू।